नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। इस समय बता दें वकीलों के चैम्बर कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं करनाल के, और आपको बता दें बार काउंसिल हरियाणा एंड पंजाब के जो वाइस चेयरमैन हैं राजकुमार चौहान जी, उन्हें दोबारा से इलेक्टेड हुए हैं और यहां पर उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, वकीलों से भी बात करेंगे, सबसे पहले राजकुमार चौहान जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको, दोबारा से जो इलेक्टेड किया गया है, क्या कुछ लोगों के लिए और जो है वकीलों के लिए क्या कुछ आगे? सबसे पहले अपने सारे वकील साथियों करनाल वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे मेंबर बार काउंसिल बनने में मेरा जो मदद किया है, और उसके बाद मैं अपनी बार काउंसिल का सभी मेंबरान का सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने दूसरी बार मेरे पे जिम्मेवारी सौंपी है, मुझ पे जो उन्होंने विश्वास जताया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से बखूबी निभाऊँ और वकीलों के वेलफेयर के लिए जितने भी कार्य होंगे उनको इस वर्ष में पूरा किया जा सके। जी 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 जी, तो यहाँ पर जो है कुछ और वकील हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो है इलेक्टेड हुए हैं और क्या कुछ आपके एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर? बहुत तरक्की करेंगे अपना, ये दूसरी बार बने हैं, यानी कुछ पहले कुछ करा हुआ है तभी अपना बने हैं अपना। जी जी, आगे जिम्मेवारी इन पे बहुत भारी है अपना, आगे वकीलों का भला करते रहेंगे अपना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जी 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 जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा पंजाब बार काउंसिल के दोबारा से जो राजकुमार चौहान जी हैं वो इलेक्टेड उन्हें किया गया, और जो इलेक्शन जो है वो चंडीगढ़ में किए गए, और अब सभी उनको बधाई देते हुए और लड्डू भी आपस में बांटते हुए उनको फूल देते हुए सभी जो वकील हैं वो इस समय चैम्बर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है आप देख सकते हैं वहां पर पहुंचकर जो है सभी उन्हें बधाई जो है दे रहे हैं, फूलों से उनका स्वागत जो है एक तरीके से उनका दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि फिर से उन्हें चुना गया है। तो यहां पर बात करने का प्रयास करेंगे कुछ और जो यहां पर वकील है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज इन्हें इलेक्टेड किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे एक बार के मेंबर को इतना ऑनर मिला है और बार इज फीलिंग प्राउड। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई ऐसी चीज जो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वकीलों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए? हमें पता है मिस्टर चौहान विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द जूनियर बार मेंबर्स। आप देख सकते हैं पीछे ढोल नगाड़े भी बजाकर जो है उनको है बधाइयां जो है सभी देते नजर आ रहे हैं, वकीलों में भी खुशी की उमंग है, और वकीलों का कहना है कि काफी अच्छा काम उन्होंने पहले भी किया है और अब दोबारा से जो है वो उनसे यही एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि वो फिर से उनके लिए जरूर कुछ करेंगे। कुछ और वकील हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राजीव शर्मा जी हैं, राजीव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस बार उनसे? हमारी करनाल बार के लिए ये सौभाग्य की बात है कि राजकुमार चौहान जी दो बार जो है वाइस चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा बने गए हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और कोई ऐसी बात जो कि आप चाहते थे या कोई ऐसी और एक्सपेक्टेशन है जो उनसे इस साल आप उम्मीद करते हैं, कोई ऐसा, क्योंकि वकीलों की सुरक्षा को लेकर वो पहले? ये राजकुमार चौहान जी बड़े उत्साही व्यक्ति हैं और वकील भाइयों का पहले बड़ा ख्याल रखते हैं, और इसीलिए इनको ये दोबारा जिम्मेवारी दी गई है। जी, तो यहाँ पर आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, इस समय करनाल ये जो वकीलों के चैम्बर कॉम्प्लेक्स है वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए उन्हें जो है सभी के सभी जो है करते हुए आप देख सकते हैं राजकुमार चौहान जी को, और आप देख सकते हैं लड्डू भी जो है बांटकर जो है दूसरे में खुशी व्यक्त करते हुए सभी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जिस तरीके से लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते आप देख सकते हैं नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ, और कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सभी विक्ट्री का साइन बनाकर जो है उन्हें तोहफे भी दे रहे हैं, देख लीजिए उन्हें तोहफे भी जो है दे रहे हैं कोई ना कोई, और भी आप देख सकते हैं कि वकील सभी ऊपर की तरफ भी जितने जितने वकील हैं वो भी शामिल होते हुए, और यहाँ पर जितनी महिला वकील भी हैं वो भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ फोटोज खिंचवाते हुए। बता दें कि राजकुमार चौहान जी पहले भी वाइस चेयरमैन जो है रह चुके हैं, दोबारा से उन्हें इलेक्टेड किया गया हरियाणा पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, और
राजकुमार चौहान जी। देखने वाली बात होगी कि अब आगे जो सभी वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या कुछ जो है वो कदम उठाते हैं, क्योंकि पहले भी वो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, अगर दोबारा से इलेक्टेड हुए तो ज़रूर कोई ना कोई वकीलों का ख्याल उन्होंने ज़रूर रखा होगा और लोगों के हितों में ही काम किया होगा। लेकिन आपसे फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, फिर से जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।